नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। इन बार क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है अस्त्रा मिसाइल को लेकर। भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा मिसाइल का परीक्षण जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। हथियारों के मामले में ये मिसाइल देश के लड़ाकू बेड़े का मुख्य आधार भी बनेगी। ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज 4.5 मैक की रफ्तार से 4 गुना ऊपर उड़ने वाली BVRAM मिसाइल है। इसके टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है। वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ महीनों में स्वदेशी विमान तेजस से इस मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका सभी मौसम में हमला करने की सटीक क्षमता। ये मिसाइल दिन हो या रात किसी भी समय लगभग 100 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज पर दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। हालांकि इसकी रेंज को बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल की BVRAM की जगह ये लेंगी, जो कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती है। DRDO की योजना है कि अगले साल 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्रा के मार्क 2 संस्करण का परीक्षण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 350 किलोमीटर की सीमा के साथ साथ अस्त्रा मार्क 3 को बनाने पर काम चल रहा है। रूसी मूल के सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर पहले से ही अस्त्रा मार्क 1 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने जुलाई में 228 मिसाइलों की खरीद के लिए प्रारंभिक आदेश दिए थे। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार तेजस फाइटर जेट में सफल टेस्टिंग हो जाने के बाद वायुसेना बड़े पैमाने पर इस मिसाइल का ऑर्डर देगी। डिफेंस PSU भारत डायनेमिक्स को लगभग 7.5 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल के हिसाब से इन मिसाइलों का उत्पादन करना होगा। इस मिसाइल की टेस्टिंग ऐसे समय पर हो रही है जब रक्षा क्षेत्र की बड़ी PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको की 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट बनाने के लिए 37,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की मंजूरी अंतिम कगार पर पहुंच चुकी है। स्वदेशी फाइटर जेट के मामले में ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा भी होने वाला है। भारत अब आखिरकार ऐसी जटिल BVRAM तकनीक को विकसित करने के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस और इसराइल जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। ये मिसाइल लंबे समय तक काउंटर अटैक के साथ बेहद तेजी से दुश्मनों के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का पता लगाने, उन पर नजर रखने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। आपको बता दें कि DRDO ने इस मिसाइल को लेकर कहा है कि अस्त्रा के पास एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर तकनीक है जो दुश्मनों के विमान सक्रिय रडार हेड ऑन और टेल चेस दोनों मोड पर दुश्मनों पर भारी पड़ेगी। शूट टू किल की उच्च क्षमता से लैस इस मिसाइल में दुश्मन के जैमर से भी निपटने की शक्ति है। इन सभी खासियतों के बाद भारतीय वायुसेना ने अब इसे बेड़े में शामिल करने का मन बना लिया है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि जैव आतंकवाद को लेकर आ रहा है। संसद की एक समिति ने इस बार पर जोर दिया है कि ये वक्त है जब सरकार को जैव आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी कानून बनाने होंगे। समिति ने कहा है कि COVID-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव ने हमें जैविक एजेंटों को नियंत्रित करने के महत्व का पाठ पढ़ा है। स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट COVID-19 महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन में वैश्विक समुदाय को जैव आतंकवाद का संकेत देने वाली किसी भी गतिविधि से बचाने के लिए जैव सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया है। समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि नोवल कोरोना वायरस जैसे दुनिया की बड़ी आबादी को संक्रमित करने वाला और महामारी का रूप लेने वाला विषाणु का इस्तेमाल दुश्मन देशों के खिलाफ जैविक अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है इसीलिए जैविक सुरक्षा की चिंता महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भी कहा है कि जैविक हथियारों से जैव सुरक्षा के लिए समग्र प्रयास जरूरी है, जिनमें रोकथाम, संरक्षण और जैव हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई शामिल है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर को ही लेकर आ रही है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद से भारतीय सुरक्षा बल आतंकी हमलों को रोकने के लिए फुल बॉडी ट्रक स्कैनर चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सेब से लदे ट्रक का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने छिपने के लिए। ऐसे में सुरक्षा बल चाहते हैं कि घाटी में चेक पॉइंट्स और नाकों पर फुल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाए जाए। दरअसल आपको बता दें कि नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए चारों आतंकी सेब से भरे ट्रक में छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इन आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी थी, जिसके चलते इन आतंकियों पर नजर रखी जा रही थी और इनका एनकाउंटर करके इन्हें मार गिराया गया। सूत्रों ने बताया कि सेब से लदे ट्रक की जांच के दौरान सेब की पेटियां उतार कर चेकिंग की जाती है। स्कैनर न होने के चलते सभी ट्रकों की ढंग से जांच नहीं हो पाती। स्कैनर होने से ट्रैफिक अवरुद्ध हुए बिना आसानी से तेजी से इन ट्रकों की जांच की जा सकेगी, साथ ही ऐसे आतंकी हमलों को भी रोकने में मदद मिलेगी। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अब BSF
मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल करने वाली है। बीएसएफ ने घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी फेंसिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ लगानी शुरू कर दी है। हालांकि बांग्लादेश की सीमा के साथ यूएवी को तैनात करने का प्रयास काफी लंबे वक्त से चल रहा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दी। अब इन मानव रहित हवाई वाहनों से बीएसएफ कर्मी घुसपैठ को रोक सकेंगे और संवेदनशील क्षेत्रों पर भी कड़ी नजर रख पाएंगे। बीएसएफ बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है, जो बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से होकर गुजरती है। यूएवी को संभावित घुसपैठ के प्रयासों की वास्तविक समय की छवियां प्रदान करेगा, यानी कि ये यूएवी रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड करेंगे बीएसएफ को। साथ ही जो नकली नोट होते हैं, मवेशी, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि, इन सब में रोक लगाने में भी ये काफी उपयोगी होने वाला है। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो चाइना को लेकर आ रही है। चाइना लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में हमारे सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ा हथियार खरीददार होने के बावजूद भी चीन अब वैश्विक हथियार का एक आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, जिनमें खासकर की यूएवी है, जिसे उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। यही नहीं, चीन राइफलों, गोला बारूद, लड़ाकू विमानों और यहां तक कि पनडुब्बियों को भी निर्यात कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 देशों ने 2011 से 2019 तक सशस्त्र ड्रोन प्राप्त किए हैं और इनमें से 11 देशों ने चीन से ड्रोन खरीदे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2011 तक सिर्फ 3 देशों ने सशस्त्र ड्रोन बनाए थे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल प्रमुख थे। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 2011 की शुरुआत में चीन ने संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान जैसे देशों को सशस्त्र यूएवी बेचने की बातचीत शुरू की थी। तब से चीन सशस्त्र यूएवी के लिए निर्यात बाजार पर हावी है। जिन देशों ने चीन से ड्रोन खरीदे उनमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। सिप्री की नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया के शीर्ष 10 हथियार कंपनियों में से 3 चीन की है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 19 में दुनिया के 5वें सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में चीन उभरा और उसके पास कुल हथियारों के निर्यात का 5.5% है। खुफिया जानकारी के अनुसार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक के संरक्षण के लिए पाकिस्तान को चीनी सशस्त्र ड्रोन के नए वर्जन मिल रहे हैं। इसके अलावा चीन 8 नई कन्वेंशनल डीजल पनडुब्बियों को पाकिस्तान को आपूर्ति करने वाला है। दोनों देश संयुक्त रूप से JF-17 लड़ाकू विमानों का निर्माण करते हैं और पाकिस्तान को चीनी असॉल्ट राइफलें भी मिल रही हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।